दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस प्रकार कम कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, जिसका यूज करके आप अपने घर के बिजली के बिल को 1000 रुपये से 2000 रुपये तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट है जिन्हें चलाने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, वो सारी चीज़ आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आजकल घरों में ज़्यादा बिल आने का एक महत्वपूर्ण कारण है मोबाइल का चार्जर। जैसा कि मोबाइल के चार्जर से मोबाइल तो चार्ज करते हैं, लेकिन उसे प्लग से निकालना भूल जाते हैं। इस कारण मोबाइल चार्जर 24 आवर्स तक चालू रहता है और पावर का कंजप्शन करता है, क्योंकि चार्जर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना मोबाइल को कनेक्ट किए भी पावर को कंज्यूम करता रहता है, और पूरे दिन भर में एक मोबाइल चार्जर लगभग 150 वाट का कंजप्शन करेगा। और यदि 4 मोबाइल चार्जर हमारे कनेक्ट हैं तो 150 के हिसाब से 600 वाट होता है, और यदि 600 वाट को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 0.6 यूनिट होगा। और मान लीजिए कि पर यूनिट चार्ज 10 रुपये है, और 10 रुपये के हिसाब से यदि हम पैसे में कैलकुलेशन करें तो एक दिन का 6 रुपये तो मोबाइल चार्जर के द्वारा ही बढ़ जाएगा, और यह 30 दिन में 180 रुपये हो जाएगा। इसलिए जब तक मोबाइल चार्ज होता है उस समय तक ही मोबाइल चार्जर लगा कर रखें, अन्यथा मोबाइल चार्जर को निकाल दें। इसी प्रकार एक और छोटा इक्विपमेंट है मॉस्किटो किलर। आजकल के जो मॉस्किटो किलर आते हैं वह फिलामेंट टाइप आते हैं, और आजकल क्या होता है कि मॉस्किटो किलर को हम रात में तो यूज करते हैं लेकिन दिन में बंद करना भूल जाते हैं, और इस कारण वह दिन में भी कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके कारण बिजली का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है। एक मॉस्किटो किलर लगभग 60 वाट बिजली की कंजप्शन करता है। 60 वाट के हिसाब से यदि हम 20 घंटे का बिजली का बिल निकालें तो यह 1200 यूनिट आता है, और 1200 यूनिट का यदि हम खर्चा देखें तो 12 रुपये पर डे आएगा, और 12 रुपये के हिसाब से यदि हम महीने भर का खर्चा निकालें तो 360 रुपये होता है। आजकल हमारे घर के लगभग सारे इक्विपमेंट रिमोट कंट्रोल वाले हो गए हैं। मान लीजिए कोई टीवी है तो टीवी को हम रिमोट कंट्रोल से बंद करते हैं। रिमोट कंट्रोल से बंद करने पर टीवी तो बंद होता है, लेकिन टीवी के अंदर पावर कंटिन्यू आती रहती है, क्योंकि एक चार्जर हमेशा टीवी के साथ कनेक्ट रहता है, और चार्जर की पावर सप्लाई को हम बंद नहीं करते हैं, और यह चार्जर 10 वाट पावर का कंजप्शन कंटिन्यू करता रहता है। टीवी बंद है तो भी यह 10 वाट पावर का कंजप्शन करता रहेगा। और मान लीजिए कि यदि हम 4 घंटे टीवी देखते हैं और 20 घंटे टीवी बंद है, तो 20 घंटे टीवी बंद होती है तो भी 200 वाट पावर का कंजप्शन हमारा केवल चार्जर ही कर लेता है। उसके साथ ही जो पंखे होते हैं वो भी आजकल रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड हो गए हैं, कूलर भी रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, हमारा एसी भी रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है। तो हमारे जितने भी रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड इक्विपमेंट हैं उन सभी को हम रिमोट से तो बंद करते ही करते हैं, उसके साथ ही हमें स्विच से भी उसको बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर का जो बिजली का बिल है लगभग 300 रुपये पर मंथ कम हो जाएगा। उसके साथ ही यदि आपके घर की पुराने टाइप की वायरिंग है और आपके घर के अंदर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि एक रेड कलर का इंडिकेशन लैंप हमेशा उस स्विच बोर्ड के अंदर चलता रहता है, और घर में जितने स्विच बोर्ड होते हैं उन सभी पर यह रेड कलर का इंडिकेशन लैंप लगा हुआ होता है। जो यह रेड कलर का इंडिकेशन लैंप है यह लगभग 6 वाट पावर की कंजप्शन कंटिन्यू करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है। और मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर 10 कमरे हैं और 10ों कमरे के अंदर स्विच बोर्ड में यह लाल कलर का इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है, और यदि दिन भर पावर सप्लाई रहती है तो यह इंडिकेशन लैंप लगभग 1440 किलोवाट का कंजप्शन कंटिन्यू करते रहेंगे, और यदि रुपये में बात की जाए तो 14 रुपये जो है वह इंडिकेशन लैंप से ही बढ़ जाएंगे, और 14 रुपये के हिसाब से यदि हम 30 दिन का काउंट करें तो यह 420 रुपये होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा इंडिकेशन लैंप कितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन करता है और कितना ज़्यादा यूनिट बढ़ा देता है। तो इस तरह के इंडिकेशन लैंप आपके घर के अंदर लगे हुए हैं तो जल्दी से उसे हटा दीजिए, या फिर उसकी जगह आप एलईडी वाले इंडिकेशन लैंप लगा दीजिए। उसके साथ ही यदि आपके घर के अंदर कोई पुराने इक्विपमेंट हो लगे हों, जैसे कि पुराने टाइप का पंखा लगा हो, जो पुराना पंखा होता है वह बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन करता है। पहले ज़माने के जो पंखे आते थे वह लगभग 250 वाट या फिर 200 वाट के होते थे, और आजकल के जो पंखे आते हैं वह लगभग 50 वाट का पावर कंजप्शन करते हैं। तो पुराने टाइप के यदि पंखे लगे हो तो आप उसको तुरंत हटाकर नए टाइप के पंखे लगा दीजिए। उसके साथ ही यदि आपके घर के अंदर पुराने टाइप की टीवी लगी है, यानी बड़ी वाली जो टीवी होती है वो लगी हुई है, उसके अंदर क्या होता है कि ट्यूब्स लगे होते हैं और उनमें फिलामेंट लगा हुआ होता है,
यह जो टीवी है वह 200 वाट से 250 वाट का पावर कंजप्शन करती है, और आजकल की जो एलईडी वाली टीवी आती है वो 50 वाट से 60 वाट या फिर 70 वाट तक का पावर कंजप्शन करती है। तो आपके पास यदि पुराने टाइप की टीवी है तो उसको तुरंत हटा दीजिए और नए टाइप की टीवी लेकर आइए और उसे लगा दीजिए। आजकल बिजली का कंजप्शन बढ़ने का एक और महत्वपूर्ण कारण है फ्रिज। हम क्या करते हैं, फ्रिज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या होता है कि लोग जो हैं वह फ्रिज के टेम्परेचर को सर्दी गर्मी या बरसात कोई भी मौसम हो सभी में एक जैसा रखते हैं। करना क्या होता है कि यदि बरसात का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम है तो हमें जो टेम्परेचर है वह थोड़ा सा डाउन करके रखना होता है, जिससे हमारा जो फ्रिज है वह कम चलेगा और कम पावर का कंजप्शन करेगा। उसके साथ ही यदि आप फ्रिज से कुछ सामान निकालने के लिए फ्रिज का ढक्कन खोल रहे हैं तो आप सीलिंग फैन को या फिर एग्जॉस्ट फैन को दोनों को बंद करके ही उसका ढक्कन खोलें। क्या होता है कि यदि हमारा पंखा चालू है और हम फ्रिज का ढक्कन खोल लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर फ्रिज की जो ठंडी हवा है वह जल्दी से बाहर निकल जाएगी और फ्रिज को फिर से कूलिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मोटर को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे पावर का कंजप्शन बढ़ जाएगा। उसके साथ ही फ्रिज को हमेशा दीवार के साथ सटा के नहीं रखना चाहिए, फ्रिज को हमेशा दीवार से 1 फीट की दूरी बना के रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि फ्रिज जब अंदर कूलिंग करता है तो अंदर की गर्म गैस को वह बाहर ट्यूब्स के द्वारा निकालता है, और यदि बाहर की ट्यूब को हम दीवार के साथ सटा के रखेंगे तो अच्छी तरीके से बाहर गर्मी नहीं निकलेगी और कंप्रेसर को बार बार काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, पावर का कंजप्शन बढ़ जाएगा। उसके साथ ही यदि हम मार्केट से कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उस पर रेटिंग जरूर देख लेनी चाहिए। आजकल 5 रेटेड इक्विपमेंट बहुत मार्केट में आ गए हैं, तो 5 रेटेड इक्विपमेंट ही हमें मार्केट में खरीदने चाहिए। 5 रेटेड इक्विपमेंट की रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और 3 स्टार 2 स्टार इक्विपमेंट की रेट थोड़ी कम होती है, लेकिन 5 स्टार रेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वह पावर का कंजप्शन कम करते हैं। इसीलिए एक बार खरीदने में आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वह बिजली की खपत कम करेगा। उसके साथ ही न्यू टेक्नोलॉजी वाले और नए इक्विपमेंट ही हमें खरीदने चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी वाले और नए इक्विपमेंट जो होते हैं वह भी पावर का कंजप्शन कम करते हैं। आजकल घरों के अंदर आरओ भी लगा हुआ होता है, और आरओ जो है उसे हम कंटिन्यू चलाकर छोड़ देते हैं, 24 आवर्स तक आरओ चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि आरओ के अंदर की जो पानी की मोटर है वह कंटिन्यू चलती रहती है। कभी कभी बीच में बंद होती है, फिर चालू हो जाती है, बंद होती है, चालू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पावर का कंजप्शन भी बढ़ जाता है। और इसलिए यदि आपके पास आरओ है तो आरओ का पानी जब फिल्टर हो जाए तो पानी को आप निकाल लीजिए और आरओ को बंद कर दीजिए। आरओ को उतनी देर ही चलाकर रखें जब तक आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, अन्यथा आप आरओ को बंद कर दीजिए, जिससे आपकी पावर की सेविंग होगी। उसके साथ ही यदि आप पुराने टाइप के फिलामेंट वाले बल्ब यूज करते हैं या फिर फिलामेंट वाले कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उनको तुरंत हटा दीजिए। फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं वह पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल के जो बल्ब आते हैं वह पावर का कंजप्शन बहुत कम करते हैं। एलईडी वाले बल्ब हर जगह लगाइए, फिलामेंट वाले और पीली रोशनी वाले बल्ब को आप हटा दीजिए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कारण है बिजली का बिल ज़्यादा आने का कि हम पावर कंजप्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है कि जब भी हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो बिजली विभाग वाले एक पर्टिकुलर लोड के लिए ही हमें पावर का कंजप्शन करने के लिए देते हैं, जिसे सेंक्शन लोड भी कहा जाता है। आप यदि बिजली का बिल पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर लोड दिया हुआ है कि इतने लोड तक ही आपको बिजली का कंजप्शन करना है। इससे ऊपर आप यदि बिजली का कंजप्शन करेंगे तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है, उसके साथ ही आपका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। और यह सेक्शन लोड 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट तक हो सकता है। और होता यह है कि सेक्शन लोड तो हमारा कम रहता है लेकिन हम पावर का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हमने 4 साल पहले बिजली का कनेक्शन लिया था, उस समय हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट थे वो कम थे और हमें 1 किलोवाट के लोड की ही ज़रूरत थी, तो बिजली विभाग वाले ने 1 किलोवाट के हिसाब से ही हमें सेक्शन लोड दे दिया था। और अब हमारे घर के अंदर और इक्विपमेंट जुड़ गए हैं, मान लीजिए कि एसी लग गया है, इससे क्या हुआ है कि हमारा पावर का कंजप्शन एकाएक बढ़ गया और हम प्रतिदिन 1 किलोवाट पावर का कंजप्शन नहीं करके 1.5 किलोवाट पावर का कंजप्शन करते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि हमारा बिजली के ऊपर पेनल्टी लगती जाएगी और बिजली का बिल हमेशा ज़्यादा आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि आपका पावर कंजप्शन कितना है और सेक्शन लोड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप पावर का कंजप्शन कीजिए, या फिर आपका सेक्शन लोड कम है तो सेक्शन लोड को भी आप बढ़वा लीजिए।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका यूज करके हम बिजली के बिल को बहुत कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5-6 टिप्स बताई हैं, इन टिप्स का यूज करके आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। इस टिप्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि लगभग आप 1500 रुपये तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।